रुको रुको रुको, सोचो तुम्हारे हाथ में एक ऐसी डिवाइस लग जाती है जिससे तुम किसी भी टाइम में जा सको, किसी भी यूनिवर्स में जा सको, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कहीं भी घूम सको, तो तुम उस डिवाइस से क्या करोगे? सोचने लगे? ज्यादा मत सोचो, चलो मैं बताता हूँ। एक नंबर ऑसम गजब मूवी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की। गुरु, मैं सुबह जल्दी उठकर भाग कर गया सिनेमा हॉल और वहां पर जाकर मैंने देखी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी। और इस मूवी को देखकर मेरा रिएक्शन कुछ ये था, और मेरे माइंड में बस एक ही बात थी कि क्या ये मूवी मार्वल ने बनाई है, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में जो खून खराबा दिखाया है, मतलब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था मार्वल से कि मार्वल ऐसे भी कुछ दिखा सकता है। तो चलो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का छोटा सा रिव्यू करते हैं, क्योंकि मूवी का बड़ा रिव्यू मूवी के बड़े स्पॉइलर के साथ आएगा और वो आएगा इस वीडियो के बाद। तो अभी छोटे से शुरुआत करते हैं। तो गुरु, डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी अच्छी है, एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया है, और कॉमेडी की तो तुम पूछो ही मत। डेडपूल की तो तुम्हें पता ही है, अंडरसन डायलॉग मारता है, फोर्थ वॉल ब्रेक करता है और अपने आगे किसी की चलने नहीं देता है, और का मूड सेट करके रखता है। यहीं पर हम बात करें वुल्वरीन की, तो गुरु ये अपना फेवरेट कैरेक्टर है, और ये सिर्फ अपना ही नहीं पूरे यूनिवर्स का फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में लोग वुल्वरीन को कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, कितना ज्यादा पसंद करते हैं, वो तुम्हें इस मूवी को देखने के बाद पता लग ही जाएगा। हर कोई चाहता है वुल्वरीन को, और यहां तक डेडपूल खुद चाहता है वुल्वरीन को, यार मतलब ये बंदा ही फैन है वुल्वरीन का। और यहीं पर हम बात करें मूवी के मेन विलन की, जो थी कैसेंड्रा नोवा, जो एक अच्छी विलन थी और बुरी भी थी। अभी अच्छे बुरे का क्या कॉम्बिनेशन है और क्या फंडा है तुमको इस मूवी को देखने के बाद ही पता लगेगा, तो माइंड पर जोर मत डालना। डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, मगर हाँ मूवी में कुछ कमियां भी हैं, जैसे इस मूवी की स्टोरी लाइन पर सही से काम नहीं करा गया। हाँ, इस मूवी की राइटिंग तुम्हें थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। अगर तुम मार्वल के फैन हो या तुमने डेडपूल 1 और 2 देखी हो, तो तुम थोड़ा निराश हो सकते हो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो उसके ट्रेलर को देखकर लग रही थी, ये मूवी बिल्कुल वैसी नहीं निकलती। मगर ये फर्क हर कोई नहीं बता सकता, जो मार्वल का ट्रू फैन है, मतलब जिसने मार्वल की अभी तक की सारी मूवीज देखी हो, ये फर्क वही बता सकता है। अगर तुम फर्स्ट टाइम डेडपूल मूवी देखने जा रहे हो, तो तुम बेफिक्र होकर जाओ, क्योंकि तुमको सच में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखकर। और इस मूवी में जो कैमियोज दिखाए हैं, मुझे तो मजा ही आ गया यार वो कैमियोज देखकर, क्या ही ऑसम कैमियोज थे वो। मूवीज के अंदर इतने ज्यादा अच्छे अच्छे कैमियोज थे कि मैं इस मूवी की बैड राइटिंग को भी इग्नोर कर सकता हूँ। बाकी जिसने अभी तक डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी नहीं देखी, तो जाके देख लेना, अच्छी मूवी है, तुम्हें एक बार जरूर देखनी चाहिए हॉल में जाके। तो जाओ और देखो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, और वीडियो को लाइक भी कर दो, और इसका फुल डिटेल वीडियो में आने वाला है इस वीडियो के बाद, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।